वेलकम टू एच इनोडोवेशन। आज का करंट अफेयर्स का वीडियो चालू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चंस फॉर IBPS PO क्लरिकल लेवल के लिए, उसके बाद MIDC की एग्ज़ाम है, उसके बाद MMRDA की एग्ज़ाम है, BMC के एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो लेड द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम 1990 टू 1996, रिसेंटली पास अवे। उनका नाम है TN सेशन। तो ये TN सेशन, इनका फोटो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया था। तो ये फोटो, ये है TN सेशन। तो इनका डेथ हो गया है। तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये 1990 से 1996 के बीच में। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज GS 2019 इज बींग हेल्ड फ्रॉम नवम्बर 26 टू 28 एट बेंगलुरु कर्नाटका। तो GS 2019 ग्लोबल एग्जीबिशन सर्विस, ये कहाँ पे होने वाला है? बेंगलुरु में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली में नहीं हो रहा है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड साइंस डे? तो वर्ल्ड साइंस डे कभी था? 10 नवंबर। ओके, उसका थीम क्या था? उसका थीम था ओपन साइंस एंड लिविंग नो वन बिहाइंड। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कभी था? 10 नवंबर। उसका थीम क्या है? ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। उसके बाद, द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर ऑन द बर्थ ऑफ एनिवर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर एंड एमिनेंट एजुकेशन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एम्बेसडर हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ माली। तो इनका नाम है अंजनी कुमार। नेम द पद्मश्री अवार्डी ध्रुपद वोकलिस्ट रिसेंटली पास हुए। तो उनका नाम है रमाकांत गुंदेचा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, द कर्नाटका ग्रामीण बैंक हैज लॉन्च डैश डैश इन कालापुरी अमॉन्ग द सेवरल अदर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो ये मोबाइल ATM उन्होंने लॉन्च किया है कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने। तो याद रखना, ये रिलेटेड टू बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो IBPS के PO के लिए पूछ सकता है, PO के मेंस के लिए पूछ सकता है। नेम द राइटर, ट्रांसलेटर एंड फिल्म क्रिटिक हु रिसेंटली वॉन द टाटा लिटरेचर लिव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2019। उन किनको मिला है? शांता गोखले। किसका अवार्ड है? नेम द राइटर, ट्रांसलेटर और फिल्म क्रिटिक वो रिसेंटली वॉन टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वो मिला है शांता गोखले को। संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन अ मेगा इवेंट फॉर डिस्कसिंग आइडिया थियोरीज एंड रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग इन द एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली। नेम द प्लेस वेयर इंडिया ऑयल विल सेटअप 2G इथेनॉल प्लांट। तो ये है पानीपत। इंडियन ऑयल विल सेटअप 2G इथेनॉल प्लांट यहाँ पे, पानीपत पे। इंडियन पेसर डैश डैश रिकॉर्डेड द बेस्ट एवर फिगर इन 2020 इंटरनेशनल व्हेन ही रिटर्न फिगर्स 6 for 7 run इन 3.2 ओवर्स अगेंस्ट बांग्लादेश एट द विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन नागपुर। तो जस्ट डे बिफोर संडे को जो मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वहाँ पे दीपक चहर ने 7 रन दे के 6 विकेट निकाला था। तो वो एक रिकॉर्ड बन गया है। ओके, इन विच प्लेस डिफेंस मिनिस्ट्री इन इज ऑर्गेनाइजिंग डेफ कनेक्ट टू शोकेस द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस IDEX इनिशिएटिव। वो है दीव दिल्ली में हुआ है। ओके, डेफ कनेक्ट याद रखना, डेफ कनेक्ट तो फिर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव, इनोवेशन ऑफ डिफेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव, ये यहाँ पे हुआ है न्यू दिल्ली में। 14th नंबर क्वेश्चन, जस्टिस डैश डैश स्वान इन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। हाँ, पटना हाईकोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? संजय करोल। जस्टिस कौन है? संजय करोल।
लास्ट नंबर क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई रिलीज द आसामीज वर्जन ऑफ द बुक, यह है कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट इन गुवाहाटी आसाम। तो ये बुक का नाम है कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड टू बुक है, और ये बुक किसने रिलीज किया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप शेयरिंग एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।